السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بِآخِذِهِ الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد ايمان والو خرجوا من طيبات طاكيزا ما كسبتم اس चीज جُوْ जो ومما اور اس سے اخرجنا جو ہم نے نکالا لكم تمہارے मिनलअर्द जमीन से ईमान वालों पकीज़ा चीज़ों से पाकीज़ा माल उम्दा माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो और वो पाकीज़ा माल उन मालों से हो जो तुमने कमाया या फिर जो चीज़ें हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए उगाई हैं उन उन चीज़ों में से तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो वला वाला तयमीस और तुम खबीस चीज़ का इरादा ना करो वाला तयम हूँ और ना तुम कसद करो ना तुम इरादा करो अलखबीसा खबीस का रद्दी का घटिया का मिन हो उस में से यानी ज, आ, उन चीज़ों में से अगर तुम कोई ख़र्च करते हो यानी माँ कसब तुम से या माँ अखरजना लकुम से तुम अगर कोई ख़र्च करते हो तो ख़र्च करने में रद्दी और घटिया किस्म की चीज़ का इरादा तुम ना करो तुन फिकून तुम वो ख़र्च करते हो वलस तुम भी आखिरी और वो तुम खुद उसको लेने वाले नहीं हो यानी अगर तुमको वो घटिया चीज़ वो रद्दी चीज़ अगर तुमको तोहफे में दी जाए तो तुम उसको लेना पसंद नहीं करोगे इल्ला तुग मफ़ी हाँ अगर कोई हाँ ये कि तुम चशम पोशी करो इसमें वाहमूँ और जान लो यकीनन अल्लाह बेपरवाह है तारीफ़ याफ़्ता है इस आयत में ईमान वालों को मुखातब करके ये बताया जा रहा है कि आप अपने पाकिज़ा माल अल्लाह से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो तो बात का एक मतलब तो ये कि उम्दा माल जिस तरह खबीस जो है उससे रद्दी माल मुराद है इस तरह तोई बात का एक मतलब ये कि उम्दा माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए अच्छा माल अच्छी चीज़ जिस तरह बंदा ख़ुद अपने लिए अच्छी चीज़ पसंद करता है इसी तरह जब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की बारी आए तो बंदा ये ख्याल रखे कि वो अल्लाह के रास्ते में भी अच्छी चीज़ ख़र्च करे घटिया चीज़ को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च न करे दूसरी बात ख़र्च उससे करना है जो तुमने कमाया और उससे करना है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन से उगाया अपनी नेक कमाई से अपनी कमाई से ख़र्च करना है और जो ज़मीन से अल्लाह ने तुम्हें रिज़ अदा किया उस रिज्क में से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है फिर ये कहा गया कि तुम्हें अगर कोई गंदा माल या खबीस या रद्दी चीज़ घटिया चीज़ अगर कोई तुम्हें दे तो तुम उसको लेना पसंद नहीं करोगे हाँ अगर कोई चश्म पोशी कर ले जब तुम अपने लिए पसंद करते हो कि तुम्हें अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह के रास्ते में भी अच्छी चीज़ ही खर्च करो <गरा> तो ये बात पहला माना कि उम्दा चीज़ दूसरा माना हलाल चीज़ हलाल माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करो हलाल माल अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो उसका अजर होगा अगर हलाल को हलाल की बजाय हराम माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाएगा तो हराम का अजर ज़ाया हो जाएगा उसका किसी भी किस्म का कोई अजर नहीं मिलना पिछले रुकू में जो हमने पढ़ा है उसमें इस बात की तरफ तोज्जो थी कि माल खर्च करते हुए अल्लाह की रजामंदी को चाहा जाए अल्लाह की रजामंदी को तलाश किया जाए और अल्लाह को राज़ी करने की खातिर अपने माल को ख़र्च किया जाए और जब ख़र्च कर लिया जाए तो फिर जिसको जिस पर ख़र्च किया है उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए ना एहसान जित जाए ना उसे कोई ईज़ा पहुँचाई जाए यानी उसे परेशान भी ना किया जाए और अब यहाँ ये यह बताया जा रहा है कि जब तुम ख़र्च करो तो उमदा चीज़ें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो बराब नाज़िब रदी अल्लाह तन फरमाते हैं कि ये आयत जो है ये हम अनसार के मतलब उतरी वो इस तरह से कि कहते जब खजूर का मौसम आता तो लोग जो है खजूर की डालियाँ वो ला मस्जिद नब्वी के सतूनों पर लटका देते थे तो बाक़ी जो असाब सूफ़ा थे जिनको भूख महसूस होती तो वो जाते उन डालियों से खजूरें लेते और खा लेते और कुछ लोगों ने फिर वहाँ पर सड़ी हुई और रद्दी खजूरें आकर रखना शुरू कर दी तो जिसकी वजह से ये आयत उतरी कि तुम अल्लाह के रास्ते में पाकिज़ा उमदा माल खर्च करो कहा कि ये आयत तो ये आयत का शान नजोल तो इस हवाले से ही है आ, कि लोगों ने घटिया खजूरें लाना शुरू कर दी थी तो अब ये आयत आम है ये नफली सदक़े के मतलब भी है और फर्जी सदक़े के मतलब भी है यानी जिस तरह नफली सदक़े और फर्जी सदक़े में दोनों सदकात में इंसान को ये ख्याल करना चाहिए कि वो अच्छी चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे यानी अगर वो किसी को कोई चीज़ दे रहा है तो वो चीज़ अगला बंदा जब कबूल करे तो वो राहत महसूस करे ना कि बुरा भला कह रहा हो कि कैसी घटिया चीज़ मुझे इस आदमी ने दी है यानी आप किसी पर सदका करें तो बेहतरीन अच्छी चीज़ सदका करें उम्दा चीज़ सदका करें बाद हम देखते हैं शख्सियत को कि ये बंदा कैसा है इसको कौन सी चीज़ देनी चाहिए आप शख्सियत को ना देखें आप अपने मिजाज अपनी तबीयत अपने अपने हैसीत को देखें और इस्लाम के इस नुकतः नज़र को अपने जहन में रखें कि आप जब भी कोई चीज़ ख़र्च करें कोई माल अल्लाह के रास्ते में दें तो उम्दा माल अल्लाह के रास्ते में दें बेहतरीन माल अल्लाह के रास्ते में दें और अगर कोई उम्दा माल अल्लाह के रास्ते में नहीं देता घटिया माल देगा तो उस घटिया माल का कोई अजर नहीं होगा और इसी तरह हराम माल अगर कोई अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करेगा तो हराम माल के ख़र्च करने का भी कोई अजर नहीं मिलेगा क्योंकि इब्ने इबन कसर ने यह लिखा है कि जो शख़्स हराम माल में से ख़र्च करता है उसमें बरकत नहीं होती अगर उससे सदक़ा करे तो वो सदक़ा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता इसके बाद एक और बात अशन याद वफ़्र वादा यादू का मतलब होता है वादा देना और यहाँ इसका मतलब कि शैतान तुम्हें डराता है फ़्र से शैतान तुम्हें फ़्र से डराता है किस बात के अगर तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे तो तुम फ़कीर हो जाओगे खर्च करने से माल तुम्हारा कम हो जाएगा तुम तंग दस्त हो जाओगे शैतान इस बात से डराता है कि ख़र्च करने से तुम तुम तंग दस्त तंग दस्त हो जाओगे व या मरुकुम बिलफाशा और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है यानी तुम्हें बुखल का और कंजूसी का हुक्म देता है कि तुम बखीली से काम लो और अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो तो फिर बात सुनो जरा वल्लाहु याद मगफ़े तमिन व फजला अल्लाह तो तुम्हें मग्रत का और अपनी तरफ से फ़दल का वादा देता है अगर तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा सिर्फ गुनाहों को बख्शेगा नहीं बल्कि जो तुमने माल खर्च किया है मिन हुआ फ़द अ अल्लाह तुम्हें उसकी उस माल की जगह कोई और माल अता करेगा अल्लाह तुम्हारे माल में भी बरकत देगा और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी बख्श देगा यानी इंसान जब नेक नीयति से और अल्लाह की रज़ा के लिए और इखलास के साथ अपने माल को ख़र्च करता है तो अखलास के साथ माल को ख़र्च करना ये एक तो उसके लिए बख्शिश का बायस बनता है दूसरा उसके माल में इजाफे का बायस बनता है व्ल्लाइम और अल्लाह कुशाइश वाला वसत वाला और जानने वाला है शैतान तो इस बात से डराता है कि खर्च करोगे तो माल थोड़ा हो जाएगा और वो लोगों को कहता है बुखल से काम लो कंजूसी करो अल्लाह के रास्ते में माल मत खर्च करो जितना ख़र्च करते जाओगे उतना कम होता जाएगा तुम्हें नुकसान होता जाएगा अल्लाह कहता है ये तो धोखे की बातें करता है लिहाज़ा जो अल्लाह ने तुमसे वादा किया है कि तुम अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी बख्शेगा और तुम्हें कसीर माल भी अता करेगा युत हिकमत मैं यशा अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है वो मैं हिकमा और जो हिकमत दिया गया फ़कद ऊत या खैरा तो उसको खैर कसर दी गई है व मैं यज़क़ करुुलबाब और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अकल वाले उलबाब अहल वाले अहल अक़ल वाले ही नसीहत पकड़ते हैं अब हमत क्या है यानी जो हकमत दिया अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत देता है और जो हमत दिया गया वो बहुत बड़ी खैर दिया गया अब अबत क्या हमत से मुराद दीन का सही फ़हम है इल्म में सही बसिरत और ख़शियत इलाही ये सब चीज़ें हमत में शामिल हैं यानी जिसको कुरान और सुन्नत का इल्म मिल गया और जिसे कुरान और सुन्नत का सही फाम हासिल हो गया और जिस जो जिसको अल्लाह की ख़शियत हासिल हो गई अल्लाह का डर हासिल हो गया तो इस बंदे के पास हकमत है और जो हकमत दिया गया वो बहुत बड़ी खैर दिया गया है और इन बातों से जो नसीहत पकड़ते हैं वो सिर्फ़ अकल वाले ही पकड़ते हैं फरमा वमा अन तुम तुम जो भी कोई ख़र्च करते हो ख़र्च करना मा अनफक्तुम तुम जो भी ख़र्च करो मिन नफकतिन किसी भी खर्च करने से कोई भी नफका तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो नज़र तुम मिन नज़रिन या तुम नज़र मानो मिन नज़रिन कोई भी नजर फिनल्लामू तो अल्लाह उसको जानता है वमालिमिन अमिन अनसार ालमों का कोई मददगार नहीं वमान फखन नफ़ाका तुम कोई भी तुम खर्च करो मिन नफ़ा खतिन कुछ भी खर्च करना या फिर तुम नज़र मानो कोई सी भी नज़र तो अल्ला उसको जानते हैं यानी अगर तुम्हारा खर्च करना हलाल कामों में होगा अच्छे कामों में होगा तो अल्लाह इसको जानते हैं और तुम्हें बेहतरीन नज़र देंगे और अगर तुम्हारी नज़र अल्लाह के लिए होगी अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई नज़र मानी होगी तो अल्लाह उसको भी जानते हैं तो तुम्हें इसका बेहतरीन सिला मिलेगा लेकिन अगर तुम्हारा खर्च करना हराम कामों में होगा अल्लाह की नाफरमानी में होगा लोगों को नुकसान पहुँचाने में होगा और नज़र तुम्हारी गैरुल्ला के लिए होगी अल्लाह को छोड़ कर किसी और के लिए नज़र मानोगे और नज़र में तुम्हारे शिरक का पैमाना वाजे होता होगा तो फिर अल्लाह तुम्हारे इस हाल से भी वाकिफ़ है अल्लाह ज़रूर तुम्हारा हिसाब लेगा नज़र कहते हैं कि इंसान अपनी मुराद के पूरा हो जाने की सूरत में अपने ऊपर किसी भी किस्म का कोई नफ़ा कोई ख़र्च करना या फिर कोई कोई काम अपने ऊपर लाजिम कर ले इसको कहते हैं नज़र इंसान कहे कि जब मेरा यह काम पूरा होगा तो इस काम के पूरा होने के बाद मैं या तो इतना माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करूँगा या मैं इतने नवाफिल अदा करूँगा या मैं ये ये काम करूँगा अगर तो ये सारी बातें यानी इंसान नज़र के पूरा होने की सूरत में जो बातें कहता है वो अगर शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है तो उस नज़र को पूरा करना लाजिम वाजिब है उस नज़र को पूरा किया जाए लेकिन अगर नज़र में किसी शख्स ने ऐसी जगह पर जाने की नज़र मानी जहाँ पर शिरक होता है या जहाँ पर गैरुल्ला के की इबादत की जाती है और गैरुल्ला के नाम पर जानवर दिबा किए जाते हैं और वो वहाँ पर कोई जानवर दिबा की कसम का नज़र मान लेता है तो ऐसी नज़र को पूरा करना यह जायज़ नहीं है वो नज़र पूरी की जाएगी जो शरीयत के मुताबिक हो इतभद फ़न इम्माही अगर तुम जाहिर करो खैरात को सदक़ात को फ़न बस ये बहुत अच्छा है व इन तखफू हा और अगर तुम उसको छुपाओ व तो तू हल्फ करा और तुम फ़कीरों को दो फोैरलकुम तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है यानी एक शख्स अगर ज़ाहिर करके एलानिया तौर पर कोई सदका करता है कोई खैरात करता है तो ये भी अच्छा है लेकिन अगर कोई छुपा के देता है और फ़कीरों को ज़रूरतमंदों जरूर, को चुपके से उनकी ज़रूरत पूरी कर देता है फ़ोरलकुम तो अल्लाह कहते है ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है सदका जाहिरन सदका करना यानी सदका करना सदका करना वो भी जायज है अच्छा है वो किया जा सकता है लेकिन फज सबसे ज़्यादा फजीलत सदका ये है कि इंसान मोहताजों को और फकीरों को ढूँढे और उनके पास जाए और जाके उनकी ज़रूरत को पूरा कर दे ये सबसे बेहतरीन सदक़ा है व युकफ़िर सयात कुम और अल्लाह तुम से तुम्हारी गलतियाँ भी मिटा देगा तुम्हारे गुना माफ़ कर देगा बिमा तअमलून बसीर ओ ख़बीर और तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह तुमसे से अल्लाह ख़बरदार है अल्लाह को मालूम है तुम जो भी काम कर रहे हो अब इस आयत में इस बात की तरफ तरगीब दिलाई जा रही है कि जब कोई सदका करे तो उसको चाहिए कि वो पोशीदा सदका भी कर सकता है वो अलअलान सदका भी कर सकता है लेकिन पोशीदा सदका करना वो वो ज़्यादा बेहतर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तीकू एक शख़्स जो है वो सदका करता है और सदक़ा करते हुए वो दाएं हाथ से सदका करता है उसके बाएं हाथ को भी नहीं पता कि उसके दाएं हाथ ने क्या सदका किया यानी मख़ीद करना इसकी फ़जीलत बयान की गई है और ये ऐसा करने वाला शख़्स जो है ये उन लोगों में शामिल होगा जिन जिनको क्यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करें जो नफली सदक़ा छुपा के कर देता है मै या मुशि माल हूँ मैं यमीन हूँ उसका बाया हाथ जानता ही नहीं है कि उसके दाएं हाथ ने क्या सदका किया ऐसा बंदा जो है वो क्यामत के दिन अल्लाह के अरश के सही के नीचे होगा लिहाजा पोशीदा सदका करना छुपा के सदका करना तो ये सदका ज़ाहिरन सदका करने से बेहतर है अब कोई शख्स आप किसी को देखें और वो ज़ाहिरन एलान सदका कर रहा हो तो आप उसके ऊपर फतवा लगा दें कि ये बंदा जो है ना गुनाह कर रहा है ये ये जो है ना रिहाकारी कर रहा है आपको किसने ये हक़ दिया है कि आप किसी के दिल की बात को भाँपें और परखें कि यह बंदा रिहाकारी परदका कर रहा है या लोगों को दिखलाने के लिए कर रहा है या अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है ये किसने हक़ दिया आपको दिल के हालात और मामलात वो अल्लाह जानता है लिहाजा किसी के खर्च करने पर या किसी के अमल करने पर कोई भी नेक काम हो कोई शख्स कर रहा हो तो आपका यक़ नहीं बनता कि आप उसको कहें कि ऐसे लगता है जैसे वो रियाकारी का काम करता है भी आपको कैसे पता कि वो रियाकारी कर रहा है? आप उसके दिल से वाकिफ़ हैं आप उसके दिल के हालात जानते हैं कि आप उसके बारे में फ़तवा लगा रहे हैं आप उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह बंदा रिहा है उसका मामला अल्लाह के सर्दा है आपने फ़ैसला करने जहरी हालत पर वो बंदा सदका कर रहा है तो ठीक है वो अल्लाह के रास्ते में सदका करे अगर अल ऐलान सदका कर रहा है सबके सामने सदका कर रहा है तो इसकी कुरान में बायदा इजाज़त है इन तब्दुसदात फिन ही अगर तुम अल ऐलान सदका करते हो सदका को ज़ाहिर करते हो तो ये भी ये भी जो है अच्छा है लेकिन अगर तुम पोशीदा सदका करते हो ये तुम्हारे लिए बेहतर पोशीदा सदका करना इसकी फ़ीलत एलान अलानदका करने से ज़्यादा है इसलिए एलान एलानदका करने वाले पर आप किसी भी किस्म का फतवा लगाएं कि यह बंदा रिहा होगा जो लोगों को दिखा दिखा कर सदका कर रहा है। मकसद सिर्फ ये नहीं होता अलाल एलान अलानदा करने में लोगों को तरकीब दिलाना भी होता है लोगों को मतव्य करना भी होता है ताकि वो भी इस खैर के काम में हिस्सा लें और अपने मालों को खर्च करें लिहाजा एक बात आप जहन में रख लें कि आपने किसी के मतलब ये फैसला नहीं करना कि यह बंदा मुसलमान है या काफिर है उसका एक मु... एक मुसलमान के मतलब आप ये कहें कि यह बंदा काफिर है या एक मुसलमान नेक काम कर रहा है और आप उसके मतलब ये कहें कि यह बंदा रया है आपका हक नहीं बनता यानी जो मामला दिल का है दिल का जो मामला है दिल के मामले के हवाले से आपको किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि आप किसी के दिल को जांचें और परख सकें दिल के मामला अल्लाह के पास हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसके दिल में इस्लाम है और किसके दिल में इस्लाम नहीं है एक सहाबी रसूल ने एक जंग के मौके पर एक को किसी को शहीद कर दी किसी को कत्ल किया तो वो बंदा जो है उसने डर से कलमा पढ़ लिया कलमा पढ़ा तो वसल्लम के पास मामला पेश किया गया कि फ़लाँ सहाबी ने फलां शख्स को मारा है और जबकि उसने कलमा पढ़ लिया तो आपने कहा क्यों मारा कहा अल्लाह के उसने कलमा डर से पढ़ा तो आपने फरमाया कि अगर वो कलमा जो उसने ज़ुबान से अदा किया है वो क़यामत के दिन जब ले कर आएगा तो तू उसके बारे में क्या कहेगा वहाँ पर तेरा क्या होगा वहाँ पर तेरा क्या बनेगा जब वो अपना वो कलमा लेके आएगा यानी आप वसल्लम उम्मत को ये समझाना चाहते हैं कि उस बंदे ने कलमा दिल से पढ़ा है या जाहिरन पढ़ा है इसको आपको आपको कैसे पता कि उसने किस अंदाज से कलमा पढ़ा जब आपने ज़ाहरन देखा कि उसने कलमा पढ़ लिया तो आपका मकसद आपको चाहिए था कि आप उसको छोड़ देते उसको ना मारते लिहाजा एक शख्स ने अगर आपके सामने कोई अच्छा अमल किया है तो आप उसके ऊपर अमल देख कर आप रिकारी का फतवा लगाने का हक नहीं रखते कि यह बंदा रिकार होगा ये बंदा ईमान से इस्लाम से ख़ारिज होगा दिल के जो मामलाते हैं ईमान और इस्लाम के वो सब अल्लाह के इख्तियार में वो अल्लाह के पास हैं वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस बंदे के दिल के अंदर क्या बात थी ये दिली तौर पर ये बंदा कैसा था इस हवाले से यह इख्तियार्ला के पास है लिहाजा हम इसमें टांग ना हीड़ाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है लिहाजा हमें लोगों के ज़ाहरी अमाल को देखना है लोगों के बातन लोगों का बातिन कैसा है उनका दिल कैसा है तो इसके ऊपर हमने ना कोई फतवा लगाना है ना कोई ऐसी किसी किस्म की कोई बात करनी है कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी के ऊपर कोई फतवा लगा रहे हो सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक एक शख्स किसी को काफ़िर कहता है जबकि वो काफ़िर नहीं है तो जो काफ़िर कहने वाला है वो तो पक्का काफ़िर हो गया ये सही मुस्लिम की हदीस का एक मफूमू मैंने आपके सामने रखा लिहाजा किसी के दिल के अहवाल के हवाले से फ़ैसला करना ये हमें कोई इख्तियार नहीं है इस आयत के ज़िमन में ये बात आई तो मैंने कहा यह भी मैं कर देता हूँ ले सा आर का हदय हूँ वलाकनल्ला यहदीम ऐशा नहीं नबी नहीं है आप पर इनको इनको आ, हिदायत देना आपके ज़िम्मे नहीं है कि आपने इनको हिदायत देनी वला किनल्ला मई हदीमै अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है व माँ तनफी कम इन खैरन फली अन तुम जो कुछ भी कोई खैर से ख़र्च करोगे वो तुम अपने लिए ही खर्च करोगे मतलब उसका अजर सवाब तुम्हें ही मिलना है वो मैं तनफी कूनाबत और जो तुम और नहीं तुम खर्च करते मगर वमाँ तफ़ी कूना और ना खर्च करो तुम इ लब ता अवजह मगर अल्लाह के चेहरे की तलाश की खातिर यानी अगर तुम्हें तुम्हें कोई माल खर्च करना है तो तुम्हारा मकसद और मतलूब वह अल्लाह का चेहरा हो यानी अल्लाह को खुश करना हो अल्लाह को राज़ी करना हो खर्च करने का मकसद सिर्फ यही हो वह मातनफी कुमिन ख़ैरन और तुम जो भी भलाई ख़र्च करोगे युअलीम पूरा पूरा उसका अजर तुम्हें दिया जाएगा व अन तुम लातलो और तुम तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा अब ये आयत जो है इसमें यह बताया जा रहा है कि जो कुफ़ार हैं उनके ऊपर नफली सदका किया जा सकता है नफली सदका जो फ़र्जी सदक़ा यानी ज़क़़़त जो है वो कुफार पर ज़क़़़़़त नहीं लगती लिहा उन पर नफली सदक़ा करना उनको इस्लाम की तरफ रागिब करने के लिए या उनको इस्लाम की तरफ़ लाने के लिए या किसी और गर्ज से या उनकी मदद करते हुए आप अगर कुफ़ार के ऊपर नफली सदक़ा करते हैं तो अल्लाह कहते हैं युवफ़ वफ़ तो मैं उसका अजर भी पूरा दिया जाएगा पहले ये बात कह दी लेकिन शारी का हदाय हम वरकिन यह हदीमई ऐशाह कोई शख्स अगर हिदायत को कबूल नहीं करता तो है नई आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप किसी को हिदायत के ऊपर ले करें आप किसी को आ, आ, किसी को स, सही रास्ते पर चलाएँ ये आपके इख्तियार नहीं, नहीं है आपका काम है सही रास्ते की तरफ रहनुमई करना आप, आपका का काम है सिर्फ लोगों को सही रास्ता बताना सही रास्ते पर लोगों को चलाना वो अल्लाह का काम है हिदायत किसी को नसीब कर देना ये अल्लाह का काम है हिदायत किसी को दे देना यह आपके इख्तियार में नहीं है आपका काम सिर्फ ये है कि कुफ़ार तक हमारी बात को पहुँचा दें उन तक दीन इस्लाम की दावत को पहुँचा दें लेसा अली का हुदा हम उनको हिदायत देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देते हाँ वमाँ तनफीकू बिन खैर फ़री अनफोसिकुम तो अगर तुम उन काफरों के ऊपर कोई माल खर्च करते हो तो वो माल खर्च करने का जो अजर है वो तुम्हें ही मिलना है और इसी तरह तुम जो भी अल्लाह की रदा के लिए खर्च करोगे और इसी तरह जो भी खैर का माल तुम अल्लाह की रदा मंदी को चाहने के लिए खर्च करोगे यूवा फ़िलई कुम तुम्हें पूरा पूरा अजर दिया जाएगा व अन तुम ला तज़लमोन तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा यानी कि तुमने ख़र्च किया और तुम्हें अल्लाह की तरफ़ से अजर ना मिले ऐसी कोई सूरत नहीं होगी अगर तुमने अल्लाह की रजामंदी की खातिर कुफार पर भी ख़र्च किया है तो उन पर ख़र्च करने से भी अल्लाह तुम्हें अजर देगा इस आयत में कुफार पर नफली सदक़ा की तलकिन की जा रही है कि कुफार पर नफली सदका किया जा सकता है इसी तरह जो जक़ात है वो कुफार को नहीं दी जा सकती और सदकातुल फितर यानी फितर से पहले जो हम सदक़ा देते हैं फितराना वो फितराना भी कुफार पर नहीं ख़र्च किया जाएगा वो भी मुसलमानों पर ख़र्च किया जाएगा लेकिन नफली सदक़ा जो है आम सदका जो है इन फर्जी सदक़ात से हट के वो कुफार के ऊपर ख़र्च किया जा सकता है लल्फुरा फ़ी सबीलिल्लाह जो सदक़त हैं ये किन को देने लिल फोकरा, फ़ोकरा को देने फ़कीरों को देने मोहताजों को देने ज़रूरतमंदों को देने अब वो ज़रूरतमंद कौन से हैं पहले का लिल फोकरा, फोकरा को मोहताजों को ज़रूरतमंदों को आपने ख़ैरा देनी है सदक़ात देने हैं अब वो कौन है अल्लादीन वो उसी उफ़ी जिनको रोक दिया गया अल्लाह के रास्ते में यानी वह जिहाद कर रहे हैं वो दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं वो दुश कुफ़ार के आमने सामने हैं उनसे जंग लड़ रहे हैं इस्लाम का दिफा कर रहे हैं इस्लाम का बोलबाला कर रहे हैं इस्लाम का चर्चा कर रहे हैं तो इन लोगों पर अपने मालों को खर्च किया जाए ला यस्तून दनफिलद वो नहीं ता, ताकत रखते चलने की ज़मीन में यह सब हमलाह अमीन तफफ़ समझता है उनको जाहिल अग्निया दौलतमंद मेन तफफ सवाल ना करने की वजह से अतःफ़ किसी से कुछ ना मांगना यानी सवाल ना करना बेसवाली से तारफ हम बसी माँ हम तो उनको उनके चेहरों से पहचानेगा ला ऐसल ना सल्हाफ़ा वो लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते करतेफा लिपट कर लसअलूसा नहीं वो सवाल करते हैं लोगों सेहााफा लिपट के वमा मैतन मिन ख़ैर और तुम जो भी खैर ख़र्च करोगे फ़ाल्ला बिही अलीम तो यकीनन अल्लाह जो है अल्लाह उसको जानने वाला है यानी अपने माल फ़करा को फ़करा पर अपने माल को ख़र्च किया जाए और फ़करा में से वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए और वो जो है ज़मीन पर चलने फिरने की ताकत नहीं रखता मतलब उनका काम क्या है वो जिहाद के मैदान में वो दीन की सरबुलंदी का काम कर रहे हैं वो तालब इल्म हैं, दीन को सीख रहे हैं समझ रहे हैं अगर वो ये काम छोड़ें मतलब मुसलमानों की जो फ़ौज है उसको छोड़ें तो फिर वो खा पी नहीं सकते अगर वो उसको छोड़ें और ज़मीन पर चलें फिरें और कमाई करें कमाने की कोशिश करें तो फिर वो जंग नहीं लड़ सकते अगर वो जंग में मसरूफ़ हैं दीन की सर बुलंदी में मसरूफ़ हैं इल्म को तलब करने में मशगूल हैं तो फिर वो खा पी नहीं सकते वो ज़मीन पे चलने की सकत नहीं रखते अगर वो वहाँ जाएंगे तो ये काम नहीं होगा अगर ये काम करेंगे तो वो कमा नहीं सकते इसीलिए कहा जा रहा है कि तुम अपने मालों को इन लोगों पे खर्च करो जो अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं फ़ी सबीरिल्लाह पहली बात फ़ीस बीली से मुराद जहाद फ़ीस जो जो जहाद के कामों में मुतलक लफ्ज़ कहा गया कि अल्लाह के रास्ते में और अल्लाह के रास्ते क्या है अल्लाह के सबील क्या हैं वो जहाद है वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी है वो वो इदारा है जहाँ पर मुसलमान मुसलमानों के बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है तरबियत की जा रही है उनको कुरान और सुन्नत को सि, सिखाया जा रहा है ये वो या वो जगह या, या वो इदारे जो इंसानों की फ़लाह के लिए काम कर रहे हैं ऐसे इदारों के लिए काम इंसान को मेहनत करनी चाहिए और ये जो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में मशगूल हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं और दीन सीख रहे हैं सिखा रहे हैं और इसी तरह जिहाद के मैदानों में मशगूल हैं ये लसअलून सल्हाफ़ा ये जो है लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते इनमें गैरत है ये जब जब ये लोगों से सवाल नहीं करते तो ये जो जाहिल लोग हैं ये जाहिल अल्लाह किन को कह रहा है जो मालदार हैं जिनके पास माल है जिनके पास दौलत है ये समझते हैं कि ये गनी आदमी है ये दौलतमंद है इसलिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता लिहाजा वो उसको इस हाथ ना फैलाने की वजह से वो उसको सदका नहीं देते उसके ऊपर ख़र्च नहीं करते और वह बेचारा परेशान रहता है और मुश्किलों में मुबतला रहता है तो अल्लाह सुबह ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते में हैं वो कोई और काम नहीं कर सकते ज़मीन में चल फिर कर अपनी रोज़ी का बंदोबस्त नहीं कर सकते तुम ऐसे लोगों पर ख़र्च करो ऐसे लोगों को जाहिल जो हैं वो गनी समझ बैठे हैं उनके सवाल ना करने की वजह से तुम तो इनको इनकी हालत से पहचान सकते हो ये लोगों से लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते लिहाजा तुमने इन लोगों को ख़ुद ढूंढना है कि कहाँ पर ऐसे लोग हैं जो दीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं और उनके रोज़गार में कमी है उनके रिज्क में कमी है और वो अपना गुजर बसर अच्छे अंदाज में नहीं कर सक रहे तो आप उनके साथ तान करें उनको उन पर ख़र्च करें और ये ख़र्च किया हुआ आपके लिए आपके लिए खैर का बायस होगा व मा तनफिको मिन खैर तुम जो भी खैर जो भी भलाई खर्च करोगे अल्लाह फ़िनल्लाम तो अल्लाह उसको जान रहे हैं अल्लाह उसका बेहतरीन अजर अजर से तुम लोगों को नवाजेंगे जैसे ये बाज यानी जो रूटीन के जो भिखारी हैं और उनका काम ही सिर्फ मांगना है कोई और काम नहीं है वो लोगों से लिपट लिपट के सवाल करते चिमट जाते हैं वो एंड तक जोर लगाते हैं कि इसकी जेब से चलो दस बीस नहीं रुपया ही है यानी ये जो आदत है ये आदत बुरी आदत है जो कि एक गैरतमंद इंसान के अंदर ये आदत नहीं होती और लोगों से सवाल करना अपने उनके आगे हाथ फैलाना इसके हवाले से एक हदीस में आता है कि इनके चेहरों के ऊपर क्यामत का दिन धब्बे होंगे निशानात होंगे लोगों से सवाल करने की वजह से और इसी तरह एक एक ये भी हदीस में आता है कि जिसके पास दोपहर या रात का खाना है और फिर भी वो लोगों से सवाल करता है तो वो जो सवाल करके जो लोगों से माल वसूल कर रहा है ना वो दोजक़ के अंगारे समेट रहा है अब हम ये देखें कि जो आम रूटीन के जो भिखारी हैं ये रजे हुए भिखारी हैं रजे हुए हैं ये फुल तुने हुए खूब तुने हुए ये भिखारी हैं और अल्लाह के रास्ते में मांग और ये लोगों से मांगते हैं तो इन लोगों को जाके ये हदीस सुनानी चाहिए कि आप लोगों के मुतालिक हदीस में आता है कि ये कि जो रजे हुए भिखारी हैं जिनके पास घर का घर में खाना भी मौजूद है और फिर भी मांग रहे हैं तो ये दोजक के अंगारे जहन्नम के अंगारे समेट रहे हैं लिजा अल्लाह हमें महफूज फरमाए एक शख्स की अगर ज़रूरत है उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है वो अगर किसी से कोई सवाल कर लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन अगर कोई शख्स अपनी आदत बना लेता है और रोटीन का भिखारी बन जाता है मांगने का प्रोफेशन अपना लेता है तो ऐसे बंदा ऐसा बंदा है। इसके क़्यामत के दिन इसके चेहरे के ऊपर निशानात होंगे जो इस बात पर दलालत कर रहे होंगे कि ये बंदा दुनिया के अंदर मांगा करता था लोगों से लिहाज़ा ज़रूरत की वजह से अगर इंसान अपने किसी दोस्त से या किसी से कोई किसी चीज़ का सवाल कर लेता है तो वो उसको कोई चीज़ दे देता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं बाकी दोस्त बाप और, और रिश्तेदारों को ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द माहौल में और रिश्तेदारों में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनका गुजर बसर अच्छे अंदाज में नहीं हो रहा और वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं वो उनकी ज़रूरियात को पूरा करें अल्लाह मेरा और आपका हामीनासर हो